आसनरु लढ़िबेनि खर्गे पराजय को भय करुछन्ति खर्गे ज्वाइं को मैदान रे उतारिबे खर्गे लोकसभा निर्वाचन पर रणनीति प्रस्तुत करी जोरसोर से प्रचार पर राजनैतिक दल निर्वाचन मैदान को ओह्लैवा को प्रस्तुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परास्त करने को इंडिया मिलित मंच उद्यम करुछि। इस समय कांग्रेस जातीय सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करे सूत्र सूचना मिली। गत लोकसभा निर्वाचन में खड़गे मोदी तरंग आगे ठिया हो पारे और पराजय सामना करने को पड़ता। से वर्तमान राज्यसभा सांसद सूत्र प्रकाश जे मल्लिकार्जुन खड़गे पारंपरिक आसन गुलबर्ग्रु प्रतिद्वंदिता करे वर्तमान से इंडिया मिलित मंच एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करुछंती तेणु से निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता नक निष्पत्ति जदिओ जड़ित सूत्र दावी करुछि जे दलता पचारिथिले से पछकु फेरिबे नाही बोली कहिछंती किंतु वर्तमान निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करिवार तांकर उद्देश्य नाही। खड़गे दुई थर गुलबर्ग लोकसभा आसन जीति छंती किंतु 2019 निर्वाचन में पराजय सामना करने को पड़ता। खड़गे राज्यसभा कार्यकाल में 4 वर्षर अधिक समय बाकी अच्छी पुओ प्रियं खड़गे गुलबर्ग अंचल चित्रपुर विधानसभा निर्वाचन मंडल प्रतिनिधित्व करुछंती। कर्णाटक सिद्धरमैया सरकार जने मंत्री अटंती लोकसभा निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करने को आग्रह नहीं कहुच्छ मल्लिकार्जुन ज्वाई राधाकृष्ण डोडामणी कांग्रेस टिकेट रे गुलबर्ग आसन निर्वाचन लड़ी पारे से जड़े व्यवसायी और शिक्षानुष्ठानगुड़ परिचालना करती। राधाकृष्ण डोडामणी प्रथम निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करने को आग्रह नथिले किंतु गुलबर्ग आसन निर्वाचन लड़ाकु प्रस्तुत होगा। कालाबुरागिरे जन्मित राधाकृष्ण डोडामणि लाइमलाइट ठारु दूरे रहंती। खड़गे निर्वाचन प्रचार परिचालना तथा रणनीति करिबारे से सर्वदा सक्रिय भावे कार्य करिछंती। दलर कर्मी एवं समर्थकों मध्य लोकप्रिय से गत लोकसभा निर्वाचन में खड़गे गुलबर्ग आसन बीजेपी डॉक्टर उमेश यादव को परास्त करते। कांग्रेस सभापति 5,24,740 भोट पाई बेले बीजेपी 6,20,192 भोट पाई। बीजेपी खड़गे 95,452 भोट व्यवधान में परास्त करिथिला। एथिसहित तृतीय दल बीएसपी थिला जहां प्रार्थी के बासु 10,865 भोट पाई। ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।